सो फ्रेंड्स, कभी आपने ऐसा सोचा है कि ऐसा कौन सी अगरबत्ती है या फिर कौन सा ऐसा सुगंध है या फिर कौन सी ऐसी खुशबू है जिसको लाखों लोग पसंद करते हैं? जब बात आती है ऐसे फ्रेग्रेंस की जिसके लाखों लोग चाहने वाले होते हैं और लाखों लोग अपने पूजा में जरूर इस्तेमाल किए होंगे, आपने भी कभी ना कभी किया ही होगा। और गैस करो कि ये कौन सा फ्रेग्रेंस है और ये कौन से अगरबत्ती या फिर धूप में इस्तेमाल किए जाने वाली सुगंध है। और आगे इस वीडियो में धीरे धीरे चीजों के बारे में जानते जाएंगे। जिसे हमने एक नया नाम दिया है इंडियन कल्चर्स, और इसमें काफी सारे ऐसे जो हमारी भारतीय परंपराओं को जोड़ कर रखती है, इस तरीके के खुशबू फ्रेग्रेंस ऐसा अगरबत्ती के परफ्यूम्स आपको देखने को मिलेंगे। और इस सीरीज का एक पहला परफ्यूम्स जिसका हम जो है अभी रिव्यू करने वाले हैं, अगर आपको बताना चाहूं तो ये मोस्ट फेमस फ्रेग्रेंस जिसका नाम है भारत वाशी, ऐसा हमारा जो ये परफ्यूम्स है इसे हमने नाम दिया है वीवी। और यही है एक ऐसा अद्भुत परफ्यूम्स जिसकी खुशबुओं को लेकर लोगों में काफी चर्चाएं होती हैं और लोग बड़े शान से ये चीजें डिमांड करते हैं कि हमें वीवी जो फ्रेग्रेंस है वो हमें चाहिए। और लोगों का एक आस्था का सबसे बड़ा एक विश्वास है इस खुशबू, इस फ्रेग्रेंस के ऊपर। और इसका जो है आज इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं और जो है इसके कुछ फ्रेग्रेंस के बेसिक जो ऐसी कुछ खास चीजें हैं जिसके बारे में बात करेंगे, जिसे लोग पसंद करते हैं और काफी ज्यादा इसकी डिमांड भी मार्केट्स में रहती है। सो फिर लेट्स गेट स्टार्टेड। ये हमारे पास कुछ इंसेंस स्टिक्स है जो कि इसी फ्रेग्रेंस से बनी हुई है, और इसे हम लोग जो है सबसे पहले ट्राई कर लेते हैं, जला लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा फ्रेशनेस भी ज्यादा जरूरी है। और तो ये है भाई हमारे पास वीवी भारत वाशी। यूं ही नहीं लोग इसे पसंद करते हैं, खुशबू हो तो इनके जैसा, काफी जबरदस्त। इसे रखते हैं हम साइड में और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। फिलहाल सबसे पहले हम जो है ओपन करते हैं इसके ऊपर के कवर्स को, यहां से हम इसे जो है पॉलीथीन कवर्स को रिमूव कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये हो गया हमारा यहां से रिमूव। कुछ इस तरीके से आपको ये 500 ग्राम की बॉटल्स दिखेंगी और कुछ बहुत बेहतरीन ढंग का जो है आपको यहाँ पे एनिमेशन किया हुआ दिखेगा। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है वीवी और कुछ इस तरीके से आपको ये बॉटल्स और इसके जो ग्राफिक्स हैं वो देखने को मिलेंगे। फटाक से यहां से चीजों को ओपन कर लेते हैं। फिर ये हमारा जो है कवर्स और इसके कैप्स जो है दोनों ओपन हो चुके हैं, और फ्रेग्रेंस तो इसके ढक्कन मतलब एज अ कैप खोलने के बाद ही पूरा महकना स्टार्ट हो चुका है। और फ्रेग्रेंस में एक बड़ी दिलचस्प बात यह होती है कि कुछ ऐसे नामी फ्रेग्रेंस हैं जो कि लोगों को काफी ज्यादा इंस्पायरिंग कर लेते हैं, मतलब अपने साथ जोड़ के रख लेते हैं। उसमें एक बड़ा नाम मैं बोलूंगा ये है, और जैसे कि सारी वीडियोस में हमने ये चेक करते आया है कि फ्रेग्रेंस को थोड़ा सा टेस्ट करके देखने में चीजें ज्यादा समझ में आती है। तो ये हमने ये बीकर ले लिया और इस बीकर में हमने यहाँ पे कुछ परफ्यूम्स जो है ट्रांसफर कर लेते हैं, इतना काफी रहेगा हमारे लिए। सो फिर सबसे पहले इसके लिक्विड के फॉर्म के बारे में मैं आपको बता देता हूं। सो फिर ये एकदम हल्का येलोनिश, थोड़ा सा वाटर बेस कलर आपको देखने को मिलेगा और हल्का येलोनिश का फॉर्म भी आपको देखने को मिलेगी, हल्का पीला कलर आपको देखने को मिलेगा कहने का मतलब। और इसके लिक्विड्स नॉर्मल है जैसे बाकी परफ्यूम्स के होते हैं उसी तरीके से। और फ्रेग्रेंस तो मैं इसके बारे में क्या ही बताऊं, आप सब लोग कभी ना कभी किसी भी ना किसी तरीके से इस्तेमाल किए होंगे। जो इसके नोट्स है बेस वुडी नोट है,
मतलब एज अ वुड्स से रिलेटेड इसके फ्रेग्रेंस आएंगे, थोड़ा स्पाइसी नोट आएगा, थोड़ा अलग यूनिक। तो ये इसकी फ्रेग्रेंस की यहाँ पे हम कुछ स्टिक्स ले लेते हैं, ब्लैक और व्हाइट दोनों है हमारे पास, थोड़ा सा डीप कर लेते हैं। और वैसे साइड में हमारे पास अगरबत्ती जली रही है जो कि एज अ भारतवासी ही है। वीबी परसेंटेज हमने यहाँ पे 50% हमारा ये अगरबत्तियां डीप हो चुकी है और इसके खुशबू को पहचानने की जो है कोशिश करते हैं। वैसे आपने चीजों के बारे में जानकारी होगी, आपने यूज किया ही होगा कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, तो फ्रेग्रेंस के बारे में ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है और आप लोग इसके फ्रेग्रेंस को जानते ही हैं। फिर भी एक छोटा सा हिंट मैं दे देता हूं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि ये थोड़ा सा वुडी बेस रहेगा, थोड़े से वुड्स के नोट इसमें नजर आएंगे आपको। और फ्रेग्रेंस की जो एक यूनिक चीज है वो है थोड़ी स्पाइसी, मतलब स्पाइसी मीन्स थोड़ा सा अलग फ्रेग्रेंस, जिसे और किसी भी तरीके से कोई भी परफ्यूम में देखने को मिलता जुलता नहीं मिलेगा। मतलब मिला जुला हुआ, कभी आपने देखा होगा कि मस्क चंदन हो गया, मस्की चंदन हो गया, उद उद में काफी सारे हो गया, रोज उद हो गया, ये वो सब मतलब आपस में फ्रेग्रेंस को इंट्रैक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो इसका किसी भी तरीके से कोई भी परफ्यूम से कोई लेना देना नहीं है, मतलब अपने आप में ये बड़ा किंग है इस फ्रेग्रेंस के मामले में। जैसे आपने देखा होगा तो रोजूद हो गया या फिर मस्की चंदन या फिर ऐसे तमाम परफ्यूम्स जिसमें आपस में दो फ्रेग्रेंस को जोड़ के एक नया नाम दे दिया जाता है, वैसा नहीं है। इसकी फ्रेग्रेंस अपने आप में एक बड़ा नाम है और एक बड़ा, मैं बोलूँ तो खुशबुओं का राजा मैं कहना चाहूँ, तो इसे आप जो है मान सकते हैं। और इतना मेरे लिए कहना काफ़ी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बातें हैं, लेकिन वो चीज़ें मैं खुल के नहीं बता सकता। तो ये था, ये हमारा एक न्यू इंडियन कल्चर को जोड़ने वाला हमारे जो सीरीज है उसमें एक पहला परफ्यूम्स। और नेक्स्ट वीडियो में हमारी और काफ़ी सारे ऐसे इसके बेस में इसके सीरीज वीडियो कंप्लीट आपको मिलते रहेंगे। ये हमारा पहला था वीवी, और सेकंड में आपको मिलेगा एज अ भारत दर्शन मैसूर सैंडल होगा, और तीन चार ऐसे फ्रेग्रेंस को हमने इस जो है सीरीज में ऐड किया हुआ है। सो फिर आगे बातें होते रहेंगी इस परफ्यूम से रिलेटेड। आपको कोई भी इंक्वायरीज है, कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी चीज़ों को आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर में आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, और आपको स्क्रीन में भी कुछ नंबर्स शो हो रहे होंगे उसमें भी कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। मिलते हैं आने वाली किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।